लेक्चर में लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के टॉपिक पे, और आज इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है सेक्शन 10 ऑफ दिस एक्ट। आज इस लेक्चर में लोग जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो इन्फोर्स किया जा सकता है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला पॉइंट, जब भी हम सेक्शन 10 स्टार्ट करेंगे तो हमको हमेशा पढ़ना है सेक्शन 4 को, ठीक है। सेक्शन 4 क्या कहता है कि जब भी स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट होगा कोर्ट के द्वारा, तो सबसे पहला पॉइंट कि स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट हो या कोर्ट का जो पावर है स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट करने के संबंध में वो कैसा है, वो है डिस्क्रिशनरी पावर है। दैट मीन्स कि कोर्ट स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट करेगी या नहीं करेगी ये कोर्ट के स्वविवेक के शक्ति पे निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट, सेक्शन 4 कहता है कि स्पेसिफिक रिलीफ जब भी ग्रांट होगा तो इंडिविजुअल व्यक्ति के सिविल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, ना कि किसी पैनल लॉ को इन्फोर्स करने के लिए होगा। क्लियर, ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम सेक्शन 10 को समझेंगे और आपके माइंड में मैं एक इमेज बनाना चाहूंगा जिससे कि आपको सेक्शन 10 अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से सेक्शन 10 को समझने का। मान लीजिए ए है और बी है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट को आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कॉन्ट्रैक्ट शब्द को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से सेक्शन में परिभाषित डिफाइन किया गया है, ठीक है। आइए पॉइंट पे, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब देखिए क्या होता है कि ए क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है। ए क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, मतलब ए ने जो प्रॉमिस किया था बी को उस प्रॉमिस को उसने फुलफिल नहीं किया, तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ। अब यहां पे देखिए बी के पास अब क्या क्या रेमेडी है। पहला जो जनरल रेमेडी है कि वह इस ब्रीच के लिए मांग करे डैमेज का, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के लिए मांग करे डैमेज का, वो इन जनरल है, ठीक है। या जो दूसरा है जिसका संबंध सेक्शन 10 से है, वो यह है कि वो यह कहे कि मुझे डैमेज नहीं चाहिए, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे से किया है आप उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कीजिए, ठीक है, तभी जाके हमको जो है न्याय मिल सकेगा, या फिर हमारा जो हमको जो डैमेज हो रहा है उस डैमेज का, आपकी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने से जो मुझे डैमेज हो रहा है उसका भरपाई एक ही मात्र ऑप्शन है, आपके द्वारा किए गए प्रॉमिस को फुलफिल करने से। दैट मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको परफॉर्म करने से ही क्या होगा, बी को रिलीफ मिल सकेगा। तो बी यहां पर दूसरे केस में जो मांग कर रहा है वो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, जो एक प्रकार का मैंने अभी जैसा बताया कि एक प्रकार का क्या है, रेमेडी है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब समझ में बी को समझना है आपको भी, या बी को, कि अगर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मांग कर रहा है तो आखिर ऐसे कौन कौन से मामले हैं जब बी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मांग कर सकता है, व्हाट आर कंडीशंस, व्हाट आर दो सर्कमस्टांसेस। तो वह सर्कमस्टांसेस है सेक्शन 10 में बताया गया कि आखिर ऐसे कौन से परिस्थिति में बी जो है प्लेंटिफ यहां पे अगर सूट हुआ फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो बी सूट करेगा इंस्टीट्यूट, तो बी प्लेंटिफ है, ठीक है। तो अब यहां पे जो सर्कमस्टांसेस है ये दो ही सर्कमस्टांसेस है जब बी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मांग कर सकता है एज अ रेमेडी के तौर पर। तो वो दो सर्कमस्टांस क्या है, तो सेक्शन 10 के अनुसार वो दो सर्कमस्टांसेस है। पहला है कि ऐसा कोई मेजर अवेलेबल है ही नहीं जिससे यह पता लगाया जा सके कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, जैसे यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है के द्वारा, तो एक्चुअल डैमेज कितना हुआ है बी को एक्चुअल डैमेज कितना हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच से, यह पता लगाना क्या है, थोड़ा सा कठिन है या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करेगा, बी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मांग कर सकता है, पहला परिस्थिति। दूसरा परिस्थिति आते सर्कमस्टांस, दूसरा सर्कमस्टांस है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने से अगर मनी कंसिडरेशन का रिलीफ बी को दिया गया तो वह
पर्याप्त नहीं है। दैट मीन्स यहां जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में, और ए कहता है कि नहीं हम तुमको इसके बदले में मुआवजा दे देते हैं, जो भी मनी कंसिडरेशन तुमको चाहिए वो हम दे देते हैं, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करेंगे। तो बी कहता है कि नहीं, आपके मुआवजा देने से, मनी कंसिडरेशन देने से मुझे रिलीफ नहीं मिल पाएगा, ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही होगा सब्जेक्ट टू दी जो भी आपने प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस के अकॉर्डिंग। तो दो सर्कमस्टांसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, इन्फोर्स हो सकता है। पहला क्या था कि अगर ऐसा कोई मेजर अवेलेबल है नहीं जिससे पता लगाया जा सके कि प्लेंटिफ को कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने से कितना डैमेज हुआ है। दूसरा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ और उसका मनी कंसिडरेशन दिया गया प्लेंटिफ को, दैट मीन्स कि पार्टी नॉट इन फॉल्ट, ठीक है, तो उसको उस मनी कंसिडरेशन से कोई लाभ या बेनिफिट या रिलीफ नहीं मिल पाएगा। तो ये दो सर्कमस्टांसेस हैं जब व्यक्ति स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, दैट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो पार्टी ब्रीच नहीं किया है, यही दो सर्कमस्टांसेस में कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मांग कर सकता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जो भी प्रॉमिस हुआ है उस प्रॉमिस को फुलफिल करना होगा, क्लियर। अब थोड़ा इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो अब एग्जांपल दीजिए, मान लीजिए ए है यहां पे, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ फॉर सेल ऑफ पेंटिंग, मतलब ए को, ए कहता है कि तुमको हम पेंटिंग बेचेंगे, सेल हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ पेंटिंग के रिस्पेक्ट में, और ये पेंटिंग जो है एक प्रसिद्ध पेंटर का के द्वारा बनाया गया है। बी बोलता है हम इसको खरीदेंगे, कंसीडरेशन भी तय हुआ, लेकिन अब ए क्या कहता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करेंगे, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट को ए ब्रीच करता है, दैट मीन्स कहता है कि तुमको हम पेंटिंग नहीं देंगे, इसके बदले में तुम हमसे जो पैसा लेना चाहते हो ले लो। तो अब यहां देखिए, ये जिस पेंटर के द्वारा बनाया गया है ये बहुत बड़ा प्रसिद्ध पेंटर है, और भी जानता है कि इस पेंटिंग का जो मोल है वो क्या है, वो उसको काउंट नहीं करता, वो लिमिटलेस है, अनमोल है वो पेंटिंग, ठीक है। तो बी बोलता है नहीं, हमको मनी कंसिडरेशन तुम्हारे देने से हमको रिलीफ नहीं मिल जाएगा, हमको रिलीफ तभी मिलेगा जब तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया, तुमने जो प्रॉमिस किया उसको तुम परफॉर्म करोगे तो ही मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे अगर बी कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मांग करता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो ए को उसको परफॉर्म करना ही होगा, ठीक है। तो कोर्ट भी कंसीडर करेगी यही दो पॉइंट। अब देखिए कुछ ऐसे परिस्थिति है दोस्तों कि जब कोर्ट यही मानती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ ब्रीच, तो ऐसे दो परिस्थिति क्या क्या है, जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो यह मान लिया जाएगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रीच हुआ उसका जो रेमेडी अगर दिया जाएगा प्लेंटिफ को, तो वो मनी कंसीडरेशन दे दिया गया तो उससे रिलीफ मिल जाएगा प्लेंटिफ को। तो देखिए आप समझिए बात को, जब हम लोग सेक्शन 10 के प्रोविजन में आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो देखिए उसमें क्या कहा गया है कि अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किस बात को लेके हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का संबंध है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के संबंध में, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो कोर्ट सेल प्रिज्यूम, मतलब कोर्ट को यह प्रिज्यूम करना ही होगा कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के संबंध में जो प्लेंटिफ है उसको अगर मनी कंसिडरेशन दिया गया तो प्लेंटिफ के लिए वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करना ही होगा, ठीक है, जब तक कॉन्ट्ररी प्रूव्ड नहीं हो जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं जब सेक्शन 10 में, तो दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ फॉर ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को लेकर अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया गया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में प्लेंटिफ को अगर मनी कंसिडरेशन रिलीफ के तौर पे दे दिया गया, तो यह माना जाएगा कि ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के केस में प्लेंटिफ को अगर मनी कंसिडरेशन दे दिया गया तो यह पर्याप्त है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स करके ही जस्टिस होगा प्लेंटिफ के साथ। तो कॉन्ट्रैक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके है, तो यहां पे प्लेंटिफ को जो डैमेज है वो कैसे हो सकता है, बाय वे ऑफ मनी कंसिडरेशन भी मिल सकता है डैमेज। कोई जरूरी नहीं है कि वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स करके ही कॉन्ट्रैक्ट का वो डैमेज प्राप्त करे, ठीक है, क्योंकि प्रिजम्पशन यही है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट, मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसमें दो अपवाद भी है,
इसलिए आपको यह समझना होगा कि कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को लेके, वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, तो यहां पे इस ब्रीच के संबंध में जो रिलीफ अगर प्लेंटिफ को मिला मनी कंसिडरेशन का, तो यह पर्याप्त है। लेकिन अगर वही मूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया गया डिफेंडेंट के द्वारा, ठीक है, तो मनी कंसिडरेशन भी पर्याप्त रिलीफ नहीं होगा प्लेंटिफ के लिए। आखिर ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में? तो पहला कि अगर वह मूवेबल प्रॉपर्टी डिफेंड प्लेंटिफ के लिए एक स्पेशल इंटरेस्ट था उसमें, मतलब जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ, वह इमूवेबल प्रॉपर्टी में प्लेंटिफ का स्पेशल इंटरेस्ट था, पहला। दूसरा कि वह इमूवेबल प्रॉपर्टी इजिली ऑप्टेनेबल है नहीं मार्केट में, ठीक है, उसका स्पेशल वैल्यू है, क्लियर है। या फिर अगर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफेंडेंट अपने पास रखा है प्लेंटिफ की एजेंट या ट्रस्टी के तौर पे, तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में अगर कॉन्ट्रैक्ट का संबंध मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से है और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, तो यहां पे मनी कंसिडरेशन के थ्रू प्लेंटिफ को रिलीफ नहीं दिया जाएगा। तो यहां पे प्लेंटिफ को रिलीफ कैसे मिलेगा? बाय वे ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। दैट मीन्स प्लेंटिफ मांग करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स किया जाए, स्पेसिफिकली दैट मीन्स सब्जेक्ट टू दी कंडीशन, सब्जेक्ट टू दी प्रोमिस, जो प्रोमिस ने जो प्रोमिस किया था, पार्टी जो फॉल्ट किया है, जो ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट को, उस प्रोमिस के अनुसार, उस प्रोमिस के अकॉर्डिंग ही परफॉर्मेंस चाहिए प्लेंटिफ को, क्लियर है। तो ये दो अपवाद हैं जब मूवेबल प्रॉपर्टी का अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ट्रांसफर के संबंध में, मतलब दैट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर के लिए और उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया गया, तो ये दो ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जब इस कॉन्ट्रैक्ट को भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स करना होगा अगर प्लेंटिफ को रिलीफ देना है कोर्ट को, तो क्लियर। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है, आप ये समझिए, जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है दोस्तों, वो है सेक्शन 10 को लेके, जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है रामकरण वर्सेस गोविंद लाल का, रामकरण वर्सेस गोविंद लाल का केस बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 10 को लेके। इस केस में क्या हुआ कि प्लेंटिफ दैट इज पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करता है किस बात को लेके? सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके, और डिफेंडेंट ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट, अब प्लेंटिफ को रिलीफ चाहिए। तो यहां पर देखिए कॉन्ट्रैक्ट किस बात को लेके हुआ है? ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन डिफेंडेंट कहता है कि नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किए, हम इसका डैमेज तुमको दे देते हैं और तुमको इससे रिलीफ मिल जाएगा। तो क्या यहां पे आपको लगता है कि इस बात से रिलीफ मिल जाएगा अगर उसको मनी कंसिडरेशन दे दिया गया? तो यहां कोर्ट करती है कि नहीं, अगर जैसा कहा गया सेक्शन 10 के सेकंड पैराग्राफ में कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके, अगर उसका ब्रीच हुआ है, तो अगर प्लेंटिफ को रिलीफ देना है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स करना ही होगा जब तक कॉन्ट्ररी साबित नहीं हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट केस था, आपको नोट कर लेना चाहिए, वो है रामकरण वर्सेस गोविंद दयाल का, क्लियर। तो दोस्तों इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। हम लोगों ने इस लेक्चर में जाना कि आखिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्या अर्थ होता है और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब परमिट कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, क्लियर है। तो ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं और कुछ ऐसे प्रिजम्पशन है सेल्फ प्रिज्यूम जो है कोर्ट को मानना ही है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो उसको रिलीफ अगर प्लेंटिफ को देना है तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के थ्रू ही दिया जा सकता है। आखिर वो अपवाद क्या है ये मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही, आपका आप तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।